अब एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल और ममता के खिलाफ शिकायत की है बीजेपी ने चुनाव आयोग में। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को राहुल गांधी के भाषणों का लिंक सौंपा है और कहा है कि राहुल गांधी भाषा और प्रांत के नाम पर साजिश रच रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ भी शिकायत की और कहा है कि ममता तनाव का माहौल बना रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के खिलाफ पीसी से शिकायत की थी। जिस तरह राहुल गांधी लगातार देश के अंदर भाषा एवं प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में हमने उनको शिकायत की है। जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूं, क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, लेकिन इसके चार पांच तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। अब एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल और ममता के खिलाफ शिकायत की है बीजेपी ने चुनाव आयोग में। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को राहुल गांधी के भाषणों का लिंक सौंपा है और कहा है कि राहुल गांधी भाषा और प्रांत के नाम पर साजिश रच रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ भी शिकायत की और कहा है कि ममता तनाव का माहौल बना रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के खिलाफ पीसी से शिकायत की थी। जिस तरह राहुल गांधी लगातार देश के अंदर भाषा एवं प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में हमने उनको शिकायत की है। जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूं, क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, लेकिन इसके चार पांच तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा।